है गाइस तो आप लोग कैसे हैं आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो चलिए इस वाली गेट पर्दा को बनाते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी कोई भी वी वीडियो आप लोग मिस ना कर सके तो चलिए इसे बनाते हैं बहुत ही आसान तरीका है बनाने का है गाइस तो चलिए इस वाली पट्टी पर गेट पर्दा बनाते हैं यहाँ पर हमने व्हाइट कलर की पट्टी लिए हैं और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम वाइट ऊन ले रहे हैं यहाँ पर देखिए पट्टी की एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन में हमें क्रोसिया को लगानी है और इस तरीके से हम बांध लेंगे देखिए और जो पीछे की ऊन है उसे भी पकड़ के चैन बना लेंगे इस तरीके से एक दो तीन तीन चैन लेकर और यहाँ पे हमें फंदे लेनी है देखिए एक दो तीन चार हम चार फंदे ले लेंगे और यहाँ देखिए हमें चैन लेनी है एक दो तीन तीन चैन लेकर पट्टी की एक लाइन छोड़कर दूसरे लाइन से हमें फंदे लेनी हैं चार फंदे एक दो तीन चार चैन लेनी है एक दो तीन और पट्टी की एक लाइन छोड़कर अगले लाइन से हमें फंदे लेनी है देखिए एक दो तीन चार फ्रेंड्स चार फंदे लेकर चैन लेनी है एक दो तीन देखिए यहाँ पे जैसे हमने इस तीन डिजाइन को बनाए हैं यहाँ तक सात डिजाइन बना लेंगे तो बनाकर बताते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो चार फंदों की डिजाइन है हमने सात बना लिए हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात अब हमें इसकी लड़ी बनानी है तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें लड़ी बनाने के लिए चैन लेना है देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस चैन ले लेंगे और यहाँ पे देखिए हमें ज्यादा बड़ा फंदा नहीं लेना है इतनी बड़ी फंदे लेकर और हम फर्स्ट वाली चैन को छोड़ देंगे सेकेंड चैन से हमें दस बार फंदे लेनी है एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस और हम क्रोसिया को बाहर कर लेंगे और इस तरीके से चारों तरफ उनको फैला लेंगे चारों तरफ देखिए फैलाकर और यहाँ पे देखिए बीच की साइड से हमें इस तरीके से क्रोसिया लगानी है और उनको लेना है बांध लेंगे हम यहाँ पे, अब दस चैन दे देंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस फ्रेंड्स यहाँ पे हम दस चैन बना लेंगे फिर से इतनी बड़ी फंदे लेंगे और यहाँ देखिए पहली वाली चैन छोड़कर दूसरी चैन से हमें फंदे लेनी है एक दो तीन चार पच सात, आठ नौ दस यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम बनाकर और उनको चारों तरफ फैला लेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें पकड़ लेना है पकड़ कर और क्रोसिया को बीच में लगा देनी है देखिए और यहाँ से ऊन ले लेंगे फिर से हमें बांध लेनी है बांध कर चैन देंगे हम एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस फिर से हम इतनी बारी फंदे लेंगे देखिए और यहाँ से हमें फंदे लेनी है दस फंदे एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस अब हम इसे इस तरीके से चारों तरफ फैला लेंगे फैलाकर और बीच से हमें उनको ले लेनी है देखिए यहाँ से हम क्रोसिया लगाकर कर उनको ले लेंगे और यहाँ पे बांध कर दस चैन लेंगे हम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये वाली जो लड़ी है बन चुका है पहली लड़ी अब हम पट्टी की लाइन गिनती करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये आठवें लाइन पे हमें अटैच करनी है तो यहाँ पे देखिए आठवें लाइन पे हम इस तरीके से फंदे लेंगे देखिए एक दो तीन चार चार फंदे लेकर चैन लेंगे एक दो तीन तीन चैन लेकर पट्टी की एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन से हमें फंदे लेनी हैं इस तरीके से एक दो तीन चार फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो चार फंदों की डिज़ाइन है हम यहाँ से यहाँ तक सात डिज़ाइन बनाकर बताते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक डिजाइन को बनाए हैं वैसे हम पूरी गेट पट्टी में पहली लाइन बनाकर बताते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो पहली लाइन थी यहाँ से यहाँ तक बन चुका है अब हम इसकी दूसरी लाइन बनाएंगे तो हम पट्टी को पलट लेते हैं देखिए और यहाँ पे हमें चैन लेनी है एक दो दो चैन लेकर और इस वाली चैन में हम बांध लेंगे बांध कर बांध कर हम चैन लेंगे एक दो तीन तीन चैन लेकर चार फंदे लेंगे यहाँ से एक दो तीन चार चार फंदे लेकर और यहाँ से हमें फिर से तीन चैन लेनी है एक दो तीन और यहाँ से चार फंदे ले लेंगे एक दो तीन चार चैन ले लेंगे एक दो तीन फंदे ले लेंगे एक दो तीन चार फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जैसे हमने ये तीन डिजाइन बनाए हैं। एक दो तीन हम यहाँ तक बनाकर बताते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पहली लाइन में हमने ये चार फंदों की डिजाइन सात बनाए हैं और दूसरी लाइन में हम छः बनाए हैं अब हम इसकी लड़ी बनाएंगे यहाँ पे हमें दस चैन लेनी है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और यहाँ पे हमें इतनी बड़ी फंदे लेनी है हम ज़्यादा बड़ा फंदा नहीं लेंगे देखिए और एक चैन छोड़कर दूसरी चैन से दस फंदे ले लेंगे यहाँ पे देखिए ये डबल ऊन है इसलिए हम दस फंदा ले रहे हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम फ्लावर को चारों तरफ फैला लेंगे और बीच से उनको बांध लेंगे हम क्रोसिया लगाकर इस तरीके से बांध लेंगे फिर दस चैन देंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस फिर से हम इतनी बड़ी फंदे लेंगे और यहाँ पे पहली वाली चैन छोड़कर दूसरी चैन से दस फंदे ले लेंगे एक दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ दस दस फंदे लेकर क्रोशिया बाहर कर लेंगे और इस तरीके से चारों तरफ फैला लेंगे इस वाली फ्लावर को और बीच से हमें बांध लेनी है क्रोशिया लगाकर कर यहाँ पर देखिए यहाँ पे, पे क्रोशिया लगाएंगे और फंदे बांध लेंगे बांध कर दस चैन देंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस फ्रेंड्स तो इसकी हम एक लड़ी बनाकर बताते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जैसे हमने दो फ्लावर बनाए हैं वैसे हम इसकी एक लड़ी बनाकर बताते हैं यहाँ पे देखिए ये दूसरी लड़ी है यहाँ पे हमने फ्लावर की डिज़ाइन बढ़ा दिए हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच पांच, पांच फ्लावर दिए हैं पहले में हमने तीन फ्लावर दिए थे दूसरे लड़ी में हमने दो फ्लावर को बढ़ा दिए हैं अब हम इसे अटैच करेंगे फ्रेंड्स तो चलिए इस दूसरी लड़ी को अटैच करते हैं यहाँ पे हमें अटैच करनी है तो हम यहाँ पे फंदे लेंगे देखिए एक दो तीन तीन चार चार फंदे लेकर तीन चैन लेंगे एक दो तीन और यहाँ पे हम चार फंदे लेंगे एक दो दो तीन चार फिर से तीन चैन लेंगे एक दो तीन और यहाँ पे हम चार फंदे लेंगे एक दो तीन चार तीन चैन लेंगे एक दो तीन तीन चैन लेंगे चार फंदे लेंगे एक दो तीन चार फिर से तीन चैन लेंगे एक दो तीन चार फंदे लेंगे एक दो तीन तीन चार तीन चैन लेंगे एक दो तीन चार फंदे लेंगे एक दो तीन चार फिर से यहाँ पे हम दस चैन ले लेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और यहाँ पे इतनी बड़ी लेंगे और यहाँ से दस फंदे ले लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस अब हम इसे बाहर कर लेंगे क्रोसिया को और इस तरीके से फ्लावर को चारों तरफ फैला देंगे और यहाँ पे हम बीच से उनको ले लेंगे देखिए और बांध कर दस चैन ले लेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये चार फंदों की जो डिज़ाइन है ये घटता जाएगा और ये लड़ी की डिजाइन बढ़ता जाएगा और इसकी हर लड़ी में दो फ्लावर एक्स्ट्रा बढ़ाते जाएंगे तो हम इसकी पूरी गेट पर्दा की डिजाइन बनाकर बताते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो डिजाइन है यहाँ पे यहाँ तक बन चुका है और ये जो एक लाइन है डिजाइन की वो हम बताने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये वाली जो डिजाइन है कितने लड़ी में बना है एक दो तीन चार पाँच छः छः लड़ी में बना है और यहाँ पे हम सातवा लड़ी बनाएंगे तो यहाँ पे हम पट्टी को पलट लेते हैं पलट कर और यहाँ पे देखिए और ये सातवा लड़ी अब हम बनाएंगे देखिए यहाँ पे हमें चैन लेनी है एक दो दो चैन लेकर और यहाँ पे हम बांध लेंगे चैन में बांध कर चैन लेंगे एक दो तीन तीन चैन लेकर और यहाँ फंदे लेंगे एक दो तीन चार और यहाँ पे देखिए इस साइड में हम पट्टी को पलट लेंगे पलट कर और यहाँ पे बीच वाले गैप में हमें क्रोशिया लगानी है, इस तरीके से लगाकर बांध लेंगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बांध कर हम दस चैन ले लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस चैन लेकर यहाँ पे दस चैन लेकर और इतनी बड़ी फंदे ले लेनी है देखिए ज़्यादा बड़ा फंदा नहीं ले रहे हैं और पहली वाली चैन छोड़कर दूसरी चैन से हमें दस फंदे लेनी हैं एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस और यहाँ हम क्रोसिया को बाहर कर लेंगे इस तरीके से चारों तरफ फ्लावर को फैला लेंगे देखिए और यहाँ पे हमें इस तरीके से पकड़ लेनी है पीछे की साइड फंदों को और यहाँ पे हम बीच में क्रोसिया लगा लेंगे देखिए और इस तरीके से एक बार बांध कर दस चैन लेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस चैन लेकर फिर से इतनी बड़ी फंदे लेंगे और यहाँ एक चैन छोड़कर पीछे वाली चैन से दस फंदे ले लेंगे एक दो तीन चार पाँच पाँच छ सात आठ नौ दस फिर से हमें इस तरीके से चारों तरफ फैला लेना है फ्लावर की डिजाइन बन जाएगा और यहाँ पे हमें बीच से ऊन लेकर और इस फंदों को पकड़ लेनी है पीछे की साइड और यहाँ बीच में क्रोसिया लगाकर बांध लेनी है बांध कर दस चैन लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जैसे हमने दो फ्लावर बनाए हैं वैसे हमें इसकी जितनी बड़ी लड़ी बनानी है हम बना लेंगे तो हम इसको बनाकर बताते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो लड़ी वाली डिजाइन है बन चुका है यहाँ पे देखिए कितने फ्लावर की लड़ी बनी है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह यहाँ पे यह ग्यारह फ्लावर की लड़ी बनी है यहाँ से हमें काट लेनी है काट कर और यहाँ पे हमें लटकन लगानी है तो इसके लिए हम उनको लेंगे फ्रेंड्स तो चलिए इस कलर का लटकन बनाते हैं यहाँ पे हमें इस तरीके से उनको ले लेनी है और हम इसे लपेट लेंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जैसे हमने इसे दस बार लपेटे हैं उनको वैसे हम इसे सौ बार लपेट कर बताते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने इसे सौ बार लपेट लिए हैं अब हम इसे निकाल कर और यहाँ पे काट लेंगे इसे फिर से हम इतनी बारी उनको लेंगे और काट लेंगे देखिए काट कर और हमें इसे बांध लेना है यहाँ पे हम इसे बांध लेंगे इस तरीके से बांध लेंगे इसे देखिए अच्छे तरीके से हम बांध लेंगे इसे बांध कर और काट लेंगे इस तरीके से काट लेंगे देखिए फ्रेंड्स हम इस तरीके से काट कर इसे हम बराबर कर लेंगे और राउंड सर्कल में ले लेंगे और ये वाली पीछे की ऊन छोड़ देंगे बांधने के लिए और यहाँ पे हम इसे राउंड सर्कल में काट लेंगे इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इस तरीके का लटकन बनकर कंप्लीट हुआ है अब हम इसे यहाँ पे बांध लेंगे इस वाले लरी में देखिए इस तरीके से हमें बांधना है अच्छे से बांध लेंगे हम इसे और इसे काट लेंगे बांध कर और काट लेंगे यहाँ से फ्रेंड्स देखिए बहुत ही प्यारा सा लड़ी बनकर कंप्लीट हुआ है देखिए इसी तरीके से हमें जितनी भी लड़ी लगानी है यहाँ पे हम एक चार फंदों की डिजाइन देकर और एक लड़ी बना लेंगे इस तरीके का देखिए जैसे हमने चार फंदा देकर और ये वाली लड़ी की डिजाइन बनाए हैं वैसे हमें यहाँ भी बनानी है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जैसे हमने इस लड़ी को बनाए हैं वैसे हमें इस पूरी डिजाइन में यही लड़ी बनानी है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो पट्टी की डिज़ाइन है सिंपल है तो हम इसे डेकोरेट कर लेंगे तो यहाँ पे हम पट्टी को पलट लेंगे और देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे क्रोशिया लगा लेनी है लगाकर और उनको बांध लेना है इस तरीके से बांध कर हम चैन लेंगे एक दो, दो चैन लेकर और यहाँ से हमें फंदे लेनी हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच पांच फंदे लेकर फ्रेंड्स पांच फंदे लेकर और एक साथ हम बांध लेंगे इसे और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें पट्टी की एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन में क्रोसिया से बांध लेनी है हमें देखिए बांध कर और यहाँ से हमें फिर से चैन लेनी है एक दो तीन तीन चैन लेकर और यहाँ से हमें पांच फंदे लेनी हैं एक दो तीन चार पाँच एक साथ बांध लेंगे फिर से हमें दूसरे वाले लाइन में इसे बांध लेनी है देखिए एक लाइन छोड़कर, फिर से हम चैन लेंगे एक दो तीन तीन चैन लेंगे पांच फंदे लेंगे एक दो तीन चार पाँच एक साथ बांध लेंगे और यहाँ पे देखिए पट्टी की अगले लाइन में हम बांध लेंगे इसे फिर से चैन लेंगे तीन चैन तो इसी तरीके से हम इसकी पूरी डिजाइन डेकोरेट करेंगे देखिए तो हम पूरा डिजाइन इसका बनाकर बताते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो पट्टी की डिजाइन हमने बनाना स्टार्ट किए थे यहाँ से यहाँ तक पूरा बनकर कंप्लीट हो चुका है देखिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लगता है इसका और यहाँ से हमें अब ये वाली जो ऊल है काट लेंगे हम फ्रेंड्स तो इस वाले ऊल को हम काट लेंगे देखिए ये जो कटा हुआ ऊन है हम इसके अंदर ले लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम इसे काट लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जैसे हमने इस वाली लॉरी को बनाए हैं और फ्लावर लगाए हैं वैसे ही हमें यहाँ भी डिजाइन बनाकर और फ्लावर लगानी है तो चलिए इसकी हम डिज़ाइन एक और बनाकर बताते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जैसे हमने इस लड़ी को बनाए थे वैसे हमें यहाँ भी बनानी है तो हम एक बार और बनाकर बता देते हैं यहाँ पे देखिए उनको बांधनी है इस तरीके से और ये नीचे वाली भाग को भी बांध लेना है यहाँ से देखिए बांधकर बांधते जाएंगे और चैन लेते जाएंगे देखिए इस तरीके से ये तीन चैन में बंध चुका है अब हमें यहाँ पे फंदे लेनी है एक दो तीन चार चार फंदे ले लेंगे और यहाँ हम इस तरीके से पट्टी को साइड करके और यहाँ पे देखिए बीच में हम क्रोसिया लगाकर और ऊन ले लेंगे और बांध लेंगे बांध कर यहाँ पर हमें चैन लेनी है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस चैन लेकर और यहाँ हमें फंदे लेनी हैं इस तरीके से छोटा फंदा लेंगे हम देखिए एक दो

बाहर कर लेंगे क्रोसिया को और इस तरीके से चारों तरफ फैला देंगे जो हमने फंदे लिए थे और यहाँ से देखिए बीच से धागा बंधा हुआ है इसमें हमें इस तरीके से पकड़ के क्रोसिया लगानी है देखिए लगाकर और हम बांध लेंगे एक बार बांधने के बाद हम दस चैन लेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस फिर से हमें यही डिजाइन रिपीट करनी है तो हम इसकी पूरी डिजाइन बनाकर बताते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो पट्टी वाली डिजाइन थी ये भी बन गया है और यहाँ पे हमने लड़ी की डिजाइन जो बनाए थे वो भी पूरा बन चुका है अब हमें लास्ट वाली डिजाइन बनानी है तो यहाँ पे हमें फ्लावर लगानी है तो हम यहाँ पे फ्लावर नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे हम इस तरीके का लटकन लगाएंगे जो बहुत ही प्यारा सा है देख सकते हैं फ्रेंड्स तो चलिए इस लास्ट वाली डिजाइन को भी बनाते हैं यहाँ पे हमें इस तरीके से ऊन को पकड़ लेनी है और यहाँ बीच में रख लेना है देखिए और क्रोशिया से हम इस तरीके से हम ये जो नीचे का ऊन है इसको हम बाहर कर लेंगे और इधर की साइड भी है उसको भी बाहर कर लेंगे और यहाँ पे हम बांध लेंगे इसे देखिए इस तरीके से बांध कर हम काट लेंगे इसे फ्रेंड्स यहाँ पे जो बचा हुआ उन है हम इसे काट लेंगे देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा सा इस डिज़ाइन की लुक है तो यहाँ पे हम जितनी भी ये वाली डिजाइन है यहाँ पे हम लगा लेंगे तो हम पूरा में लगा कर और पूरा कंप्लीट डिजाइन दिखाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हुआ है और बहुत ही आसान तरीका है बनाने का जो हमने बता चुके हैं वीडियो में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हुआ है और बहुत ही आसान कम टाइम में बनने वाली डिजाइन है ये तो आप आसानी से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं और बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है देख सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में